Assalamu alaikum nazreen, welcome to your own show Bhoojo To Jeeto. Main aapki host Aleena Haroon. Aaj hum hain Amanah mein, jahan pe humne karni hai bahut sari masti, bahut sari baatein, logon ko dene hain Lahore news ki taraf se bahut sare inaam. Unka jo chupa hua talent hai wo humne lekar aana hai screen par. Unko ek bahut achhi screen deni hai, unko ek bahut acha mauka dena hai ki wo khud ko prove kar sake, khud ko sabit kar sake aur Lahore news ki taraf se bahut sari appreciation aur bahut sare inaam jeet sake. Aur definitely meri taraf se bahut acche acche comments bhi jo hain. Aap log kehte hain ki ma'am aap zarur comment kya kare, to guys main hamesha comment karti hu aur main aap logon ke messages zarur padhti hu सोशल मीडिया पे. तो मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती, और मैं बिल्कुल कमेंट्स पढ़ के आपको बताती हूँ. और जो मुझे टैलेंट ऑफ द डे नज़र आता है, मैं उसका भी जो है वो कोशिश करती हूँ कि मेंशन किया करूँ हर एपिसोड में. जानबूझ के नहीं करती हूँ, एक में करती हूँ एक में नहीं करती, ताकि आप खुद भी गेस करके बताया करें कि कौन था जो वो टैलेंट ऑफ द डे था. खैर, अभी आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर जो है वो मेरे तमाम सोशल मीडिया के जो हैं वो अकाउंट्स चल रहे हैं. फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया. तो ज़रूर आप लोग प्रोग्राम के बारे में भी बात कर सकते हैं और प्रोग्राम में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो गाइस, कीप लविंग बूजो तो जीतो, कीप लविंग लाहौर न्यूज़. आए लोगों से बातें करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? अमरीना. क्या करते हो? मैं जैज ऑफिस में होती हूँ, फ्रेंचाइज. वाओ, यहाँ पे कैसे आना हुआ? यहाँ से बस इंजॉयमेंट करने के लिए बाहर आए हैं. कल हमारा ऑफ है, इस वजह से थोड़ा सा इंजॉयमेंट के लिए. ओके, ठीक हो गया. मुझे बताओ, मैं आपसे सवाल करती हूँ, वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर एक घंटे में 100 डिवोर्स होती हैं? एक घंटे में 100 डिवोर्स? कहाँ कभी गई हो पाकिस्तान से बाहर? नहीं. ओके, पाकिस्तान में कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे पाकिस्तान में वैसे मॉल्स वगैरह में ज़्यादा अच्छा लगता है इंजॉयमेंट करना, बाइक घूमना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिटिंग के लिए ज़्यादा मोस्टली कॉफ़ी वगैरह. सिटी में लाहौर है हमारा अपना शहर. चलो जी, क्या सुनाओगी? मैं आपको ब्यूटी टिप बताऊँगी. समर में ये होता है कि अगर हमारा फेस अक्सर जो है वो ड्राई हो जाता है बहुत ज़्यादा, या ऑयली, अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो हम लोग जो है वो आटे को पानी में थोड़ा सा मिक्स करके वो अपने फेस पे 5 मिनट्स लगाएं और ड्राई करने के बाद फेस वॉश करें, तो हमारा उसके बाद जो ऑयली है वो ख़त्म हो जाती है फेस से. वेरी नाइस. आपको किसने बताया ये? ये बस मामा ने. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. जी नाज़रीन, बड़ी प्यारी सी लड़की थी हमारे साथ और उसने जो है वो आपको एक बहुत अच्छी टिप दी है. तो वो टिप आपने ज़रूर ट्राई करनी है. आपसे इतनी सारी टिप्स वगैरह शेयर करवाने का मकसद ये होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो आप अपने पेट में रख के बैठे हुए हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं, वो आप दूसरों को बताएं, ताकि उससे दूसरों का भी फ़ायदा हो सके और उसमें इन रिटर्न आपको सवाब भी मिलेगा. तो किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? बिलाल. क्या करते हैं? मैं अकाउंटेंट हूँ. अरे वाह, मॉल में कैसे आना हुआ? बस शूज़ लेने थे. ले लिए? क्या साइज है पाऊँ का? 9. इजीली मिल जाता है? हाँ, इजीली मिल जाता है. ओके, चलो जी, सवाल करें आपसे. जी बिल्कुल. मुझे बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा बरे आज़म कौन सा है? बरे आज़म? दुनिया का सबसे बड़ा बरे आज़म ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका. क्या सुनाओगे? गाना सुनाऊंगा. ना है ये पारा, ना खोना ही है तेरा ना होना. जाने क्यों होना ही है, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही आधा सवादा कभी, आधे से ज़्यादा कभी, जी चाहे कर लूँ मैं वफा का, तोड़े ना टूटे कभी, जोड़े ना जुड़े कभी, जुड़ गया तुमसे जो रिश्ता वफा का. जबरदस्त. गाना गाते रहते हो आगे पीछे?
शौक है? हाँ शौक थोड़ा बहुत। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यू वेलकम। जी नाज़रीन बड़ा मज़ा आया जी, हमने इनसे बात की और चूँकि मैं माना मॉल में इस टाइम बड़ा मज़ा आ रहा है, यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा रश है और लोग जो हैं वो घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं, तो और भी जो हैं वो हम लोगों से बातें करेंगे, उनको लाहौर न्यूज़ की तरफ से बहुत सारे इनाम देंगे, उनका छुपा हुआ टैलेंट जो है वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे, तो आएँ और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अदील। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? बिजनेस डेवलपमेंट की। ओके, मॉल में कैसे आना हुआ? फ्रेंड के साथ आया हुआ था शॉपिंग। क्या शॉपिंग की? शूज़ वगैरह ले रहा था। ओके, मुझे बताएं दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल किस कॉन्टिनेंट में खाए जाते हैं? एशिया में। सोच लें। एशिया में। क्लैपिंग करें अपने लिए। सही। तो और क्यों क्लैपिंग करवाऊंगी, क्या शेयर करेंगे? एक सॉन्ग, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो, परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो। वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताएं इसके अलावा क्या करते हैं आप? जॉब के अलावा बैडमिंटन वगैरह खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। फेवरेट क्रिकेटर कौन है? वसीम अकरम। कब से? जब से देख रहा हूँ। तो उसके बाद कोई और क्यों नहीं हुआ? उसके बाद कोई इतना खास प्लेयर लगा नहीं। ओके, अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अलावा कोई आपको हो पसंद तो वो कौन होगा? उसके अलावा विवियन रिचर्ड पसंद था मुझे बैटिंग में। चलेंगे लें जी, शुक्रिया लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। यू वेलकम जी। हमने इनसे पूछा, इन्होंने बताया कि इनका जो फेवरेट क्रिकेटर है वो वसीम अकरम है। वैसे जो फैन फॉलोइंग है उनमें वसीम अकरम जो है वो काफ़ी फेमस हैं, लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, और इसके अलावा शाहिद अफरीदी का भी अगर आप पाकिस्तान में देखें तो उन्होंने भी जो है वो बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग जो है वो हासिल की थी। इसके अलावा इमरान खान, यार इमरान खान अभी भी कहते हैं कि इमरान खान की जितनी फ़ैन फॉलोइंग उनकी क्रिकेट में थी, मुझे तो लगता है उन्हीं लोगों ने जो है वो वोट कास्ट करके जो है इतनी ज़्यादा उनको जो है वो लव शो किया है। तो क्रिकेट में इज़ अ वेरी गुड चांस कि आप अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ा सकते हैं। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नाइला ज़हीर। आपका नाम? ज़हीर। आपका नाम? आयजा। कौन सी क्लास में हो? अभी नहीं आती। अभी नहीं जाती? अभी नहीं जाती। आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ। आप क्या करते हैं? मैं पहले सऊदी में था, पाकिस्तान में न्यूली, लेकिन बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं एक दो दिन में इंशाल्लाह। किस चीज़ का बिजनेस? ज्वेलरी का। नाइस। चलिए जी, डिज़ाइनर ज्वेलरी आर्टिफिशियल या गोल्ड में जाना चाहते? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल गुड, क्योंकि वरना मैंने कहा हालात नहीं है अभी गोल्ड का बिजनेस करने वाले। चलिए जी, मुझे बताएं आज मॉल में कैसे आना हुआ? भाई से मिलने आए थे, ऊपर उसकी कॉस्मेटिक की शॉप है, उधर आए थे हम। ओके, ठीक हो गया। अमूमी तौर पे, आम तौर पे आप कितने हफ्ते में कितने दिन जाते हैं बाहर घूमने फिरने? तकरीबन दो दफ़ा। दो दफ़ा, ओके। और खाना कितनी दफ़ा बाहर खाते हैं? खाना वीकली एक दफ़ा। एक दफ़ा मोस्टली घर में बनाती हैं? हाँ डेली। कैसा बनाती हैं खाना? ज़बरदस्त। सबसे अच्छा क्या लगता है आपको इनके हाथ? सूप। अच्छा, अरे वाह। चले जी, मैं आपसे सवाल करती हूँ, ठीक है? जी। मुझे बताएं वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे जो मुल्क के लोग हैं उन्होंने इनके जो म्यूजियम हैं उसमें जो चीज़ें हैं उनको चूहों से बचाने के लिए कैट्स हायर करते हैं? ऑस्ट्रेलिया। नो, इट्स टू डिफिकल्ट टू शेयर करना। अरे कोशिश तो करें, हेल्प कर देती ना, आप पूछें क्या हेल्प चाहिए उसमें से कोई, मैं आपको हिंट दे सकती हूँ। फॉरेन कंट्रीज हैं। बहुत बड़ा है उसका रकबा, वन ऑफ द लार्जेस्ट। फर्स्ट वर्ड बताएं फिर मैं बताता हूं आपको। नहीं, फर्स्ट अविद्या मैंने आपको बता दिया। अच्छा, रशिया। रशिया, क्लैपिंग करें भाई इनके लिए। वेरी नाइस, आप भी करें अपने लिए। क्या शेयर करें? शेयर, मैं एक शेयर है डेडिकेट करूंगा अपनी वाइफ को। यार मेरे दी सूरत सोनी,
मारे पई लश्कारे लट मथे ते इंज पई चमके जिमे आसमानी तारे वाओ वेरी नाइस वेरी नाइस। और आप क्या शेयर करेंगे? मैं रेसिपी शेयर करूंगी। इधर मैं चिकन मंचूरियन की रेसिपी शेयर करूंगी क्योंकि बहुत इजी है और बहुत से लोगों को नहीं आती बनानी। चिकन बोनलेस चिकन को मैरिनेट करें सॉल्ट ब्लैक पेपर डाल के और उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालें और हाफ एग डाल दें और 20 मिनट्स के लिए मैरिनेट करें उसे और फिर उसे ऑयल में फ्राई कर लें। फिर आप थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें गार्लिक को थोड़ा सा फ्राई करके उसमें केचप डालें और नमक रेड पेपर डालें और शुगर डालें और उसमें जो फ्राइड पीसेस हैं चिकन पीसेस वो ऐड कर दें। उसमें केचप डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के उसे थोड़ा बबल आने दें और वेजिटेबल जो भी आप उसमें डालना चाहें कैप्सिकम अनियन और कैरेट ये ज़रूरी हैं वो डाल लें आप। और फिर उसे जितना थिक करना हो उसके लिए कॉर्नफ्लावर का बना के तो उसमें ऐड कर दें। तो ये चिकन मंचूरियन की रेसिपी थी। वेरी नाइस। और आपने क्या सुनाना है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ डालोगे तो डर जाएगी पानी में डालोगे तो मर जाएगी हाथ डालोगे तो डर जाएगी। वेरी नाइस। एक ही बेटी आपकी? जी दो बेटी नहीं एक घर की है। अच्छा वो किसके पास है? वो अपनी फूफो के पास है। क्या उम्र है उसकी? वो भी 5 मंथ की है। अच्छा अच्छा। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए। यू वेलकम जी। बहुत ही ज़्यादा क्यूट फैमिली थी, बड़ा मज़ा आया। सब ने जो है वो कुछ ना कुछ शेयर किया और इन्होंने जो मंचूरियन की रेसिपी बताई वो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मैं आपसे कहूँगी ज़रूर ट्राई किया करें जो भी रेसिपीज़ आपको बताते हैं क्योंकि आप लोग कहते हैं कि अब क्या होता जा रहा है कि लोगों का बाहर खाना खाने का दिल करता है क्योंकि आपका जो घर का मेन्यू है वो काफ़ी बोरिंग हो गया है। आप सेम ही चीज़ें जो हैं वो लोग बना लेते हैं, 3-4 चीज़ें आप लोगों ने काउंट डाउन की होती हैं, आप लोग उन्हीं को बाबा बनाते रहते हैं तो जिससे जो बच्चे हैं या बाकी घर के मेंबर हैं वो बोर हो जाते हैं और आप इस तरह मॉल्स में खाना खाने आ जाते हैं। सो बेहतर है कि आप इस तरह की रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें तो उससे आपके लिए ये ईजी होगा कि आपका जो मेन्यू है वो डिफरेंट हो जाएगा और डिफरेंट तरह की चीज़ें बच्चे भी लाइक करेंगे और आप लोग भी लाइक करेंगे और आपका खाना हेल्दी होगा। सो ज़रूर इन रेसिपीज़ पर फोकस किया करें। किस यार से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ीशान चिश्ती। क्या करते हो? मैं एस कॉम का स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके सामने देखो। जो बताओ वो दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसकी आर्मी सबसे बड़ी है? रशिया। अमेरिका। रशिया अमेरिका दोनों ही नहीं है, सबसे बड़ी आर्मी। सबसे बड़ी आर्मी फिर फ्रांस है। और ट्राई करो। फ्रांस के अलावा टर्की। छोटी छोटी जगहों के नाम ना लो ना बड़े। रशिया सबसे बड़ी कंट्री नहीं है ना, रशिया और अमेरिका के अलावा बोला। रशिया आपको पता है स्ट्रॉन्ग नहीं है अब। रशिया उसकी आर्मी इतनी ही बड़ी होती तो उसके साथ वो ना होता जो उसके साथ हुआ था हिस्ट्री, तो इसलिए उसकी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई उनको हाथ भी नहीं लगाता। इंग्लैंड हो सकता है। फिर और नहीं, छोटी छोटी जगह नहीं है। आइडिया नहीं हो रहा क्योंकि इंडिया की भी सेकंड आती है, थर्ड पे आती है। अमेरिका और रशिया की मैंने पढ़ी थी। अच्छा कितने परसेंट नंबर ले लेते हो? मैं 70%। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, ठीक है जी। उस मुल्क की चीज़ें जो हैं वो भी बड़ी नज़र आती हैं हमारे मुल्क। चाइना। चाइना बोला आपने? चाइना नहीं बोला आपने, रशिया। रिकॉर्डिंग में मैंने निकाल देना, ठीक है। रशिया बोला आपने, आपने अमेरिका बोला है, आपने इंग्लैंड बोला है, आपने फ्रांस बोला है, आपने चाइना नहीं बोला। मैंने चले जी क्या सुनाएंगे? मैंने गजल आपके लिए। अच्छा मेरे लिए? ये कहते हैं कि जी मैं जिनको अपनी नज़र से कूबकू देखूं, आरजू है मेरी कि खुद को उनके रूबरू देखूं। हाय ये नाज ये अंदाज ये लहजा उनका, मैं उनको देखूं या उनकी गुफ्तगू देखूं।
زبردست. کس کی ہے یہ غزل؟ ساگر صدیقی صاحب کی. ویری نائس. چلیے لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے. ویلکم. جی بڑا مزہ آیا, ہم نے ان سے بات کی, اچھی ایفرٹ تھی ان کی. میں نے آپ کو پہلے بھی مینشن کیا ہے کہ اگر آپ لوگ تھوڑی سی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں نا کوشچن کا جواب دینے کی, لائک آپ کوشچن پہ آپشن پہ آپشن یا گیس پہ گیس جو ہے وہ آپ شوٹ کرتے ہیں, تو سب پھر میں بھی آپ کی ہیلپ کرتی ہوں. دیکھیں آپ, اس نے کتنی اچھی کوشش کی, اس نے رشیا سے لے کے فرانس تک پہنچا دیا آپ کو, لیکن اس نے اپنی ایفرٹ نہیں چھوڑی, تو اس لیے میں نے بھی اس کی ہیلپ کی, جس کی وجہ سے اس کو جواب آ گیا, اور اس کے جواب دینے سے آپ کو بھی جواب پتہ چل گیا. تو اس طرح جو ہے وہ انفارمیشن میرے سے اس تک اور اس سے آپ تک جو ہے وہ پاس آؤٹ ہوئی. سو تمام لوگ جو پروگرام میں آتے ہیں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, ڈونٹ بی اے اسٹیچو. نہیں آتا ساری سنا دوں, یہ کر دوں, وہ کر دوں, سب کرنا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ جواب دیا کریں, کوشش کیا کریں. جی ناظرین, ٹائم ہو گیا ہے ایک بریک کا, سو لیٹس ہیو اے بریک.